हेलो माय डियर फैमिली। तो फाइनली मैंने देखी विक्रांत मेसी की 12th फेल मूवी। तो चलो बात करते हैं कैसी लगी मुझे मूवी, वर्थ वॉचिंग है या फिर बस टाइम पास है। तो ये मूवी बेस्ड है एक रियल आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की रियल लाइफ स्टोरी पर, जो कि चंबल से बिलोंग करते थे। जी हाँ, वही डाकुओं का घर कहा जाने वाली जगह, जहां मनोज कुमार शर्मा अपनी गरीब फैमिली के साथ रहा करते थे। इनके फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, लेकिन वो थे बड़े ईमानदार और इसी वजह से वो बस दो वक्त की रोटी ही कमा पाते थे। वही मनोज कुमार शर्मा चंबल के एक नॉर्मल से लड़के थे। चीटिंग से पास होना, करियर में कुछ खास गोल ना होना वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदली जब उनका सामना हुआ एक डीएसपी ऑफिसर से, और ये भाई साहब उनकी पावर, रुतबा और ईमानदारी से इम्प्रेस हो गए। और फिर क्या, बना लिया उन्होंने एक पावरफुल ऑफिसर बनने का गोल और चल पड़े यूपीएससी की तरफ। और ये मूवी बस इसी सफर को दिखाती है। लग रहा है ना कि मूवी की स्टोरी सिंपल ही तो है। ऑलरेडी कितनी बार हम ऐसे टॉपिक के ऊपर ऐसी मूवीज और वेब सीरीज वगैरह देख चुके हैं, इसमें ऐसा क्या खास है। तो हाँ, इसकी कहानी बहुत कुछ अलग तो नहीं है, वही सेम एक कैरेक्टर है जो अपने सपनों के पीछे पागल है और उन्हें पाने के लिए वो पूरी दुनिया को पलट सकता है। लेकिन इस मूवी की सबसे खास चीज है वो है इस मूवी का एग्जीक्यूशन और साथ ही विक्रांत मेसी की परफॉर्मेंस, जो आपको इस मूवी से प्यार करने पर मजबूर कर देगी। वो होती है ना कुछ मूवीज यार, जिन्हें देखने के बाद तुरंत फील होता है कि यार एक बार और देखी जाए, वो मजा है इस मूवी के अंदर। मूवी मनोज कुमार शर्मा के स्ट्रगल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है। कोई ओवर ड्रामेटाइज नहीं करती है कि हाँ अब तो पूरी दुनिया साथ में मिलकर इसको उसका गोल पूरा करने से रोकेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि ये मूवी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को दिखाती है, जहाँ पैसों की तंगी दिखाई गई है, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ये दिखाया गया है, लड़के काम और पढ़ाई के बीच में कैसे बैलेंस बनाकर रखते हैं, उस बीच हम लड़कों को किसी से प्यार भी हो जाता है उससे कैसे डील करना होता है, ये सब कुछ दिखाया गया है, जिससे हम इजीली रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये मूवी की कहानी हमें उनसे ज्यादा खुद की फील होने लगती है और हम जुड़ जाते हैं इस मूवी से। साथ ही ये मूवी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट को भी बहुत ही अच्छे से दिखाती है, क्योंकि जब एक लड़का अपने गोल के लिए स्ट्रगल करता है ना, तो वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी स्ट्रगल कर रही होती है और सच्चे दोस्त लोग वो तो साथ होते ही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मूवी से पूरी तरह जोड़कर रखेंगे, आपको इमोशनल करेंगे और अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हार्ट पर्सन है तो शायद आप रोने भी लगे। वैसे इस मूवी को जितने अच्छे वे में बनाया गया है, इससे क्लियरली फील हो जाता है कि बनाने वाले ने इस मूवी को बड़े दिल से, पूरी मेहनत से और एकदम प्योर इंटेंशंस के साथ बनाया है। वैसे इस मूवी के डायरेक्टर है विदु विनोद चोपड़ा। तो ये सब तो बात हो गई मूवी की कहानी के बारे में और हम उसको देख के क्या फील करते हैं उस बारे में। अब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स को भी देख लिया जाए कि टेक्निकली ये मूवी कहां स्टैंड करती है। जहां सबसे पहले मूवी एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबने बहुत अच्छा काम किया है, आप सबसे इजीली कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन विक्रांत मेसी ने जो परफॉर्मेंस दी है, बाय गॉड दिल जीत लिया बंदे ने यार। बस दुख की बात ये है कि ऐसे एक्टर्स की फैन फॉलोइंग जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है, वरना ये मूवी हिट नहीं सुपर हिट हो जाती। वैसे जनता को इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं फॉलो करना चाहिए। वही मूवी का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन काफी सही है, मैं कहूंगा कि अबव एवरेज है, मूवी कहीं भी आउट ऑफ द जोन जाती फील नहीं होती है। वही मूवी की एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई वो थी विक्रांत मेसी के किरदार और उनकी लव इंटरेस्ट के बीच का रिलेशन। अब पूरी मूवी के अंदर ये एक्सपेक्ट करते रहोगे कि अब कटा इनका प्यार में, अब कटा, लेकिन एंड तक ऐसा कुछ भी नहीं होता और हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर जाता है। वो लड़की विक्रांत मेसी के किरदार मनोज कुमार को एंड तक साथ देती है, उनके बुरे टाइम से लेकर उनके सक्सेसफुल होने तक, एक रियल पार्टनर की तरह, और ये चीज मूवी में काफी स्वीट फील होती है। और जनरली ये चीज बॉलीवुड मूवीज के अंदर कभी देखने को मिलती है। वैसे मूवी के अंदर इस लड़की का नाम होता है श्रद्धा जोशी और ये वही लड़की है जो रियल लाइफ में भी मनोज कुमार शर्मा की वाइफ भी है। तो हाँ भाई, ऐसे पार्टनर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब कमेंट्स के अंदर कोई कॉफी विद करण वाला अभी का मामला खोल के मत बैठना। जोक्स अपार्ट, ओवरऑल बात करें तो मूवी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, सिंपल है और स्वीट है। कोई बड़े बड़े फेक ट्रेजिक इंसिडेंट्स तो नहीं दिखाती है। जो भी मूवी में दिखाया गया है वो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जनरली फील करते ही है। तो अगर आप एक स्ट्रगलर हो, अगर आप अपने गोल के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत मोटिवेट भी करेगी। पर्सनली बोल रहा हूँ, इसे देखने के बाद मेरा मोटिवेशन काफी बढ़ गया है अपने गोल्स को लेकर। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप थिएटर में जाकर जरूर से देखना यार, और ऐसी अच्छी मूवीज को सपोर्ट किया करो। बाकी अगर आपने देख ली है तो कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसी लगी। और सॉरी, मेरे अपने फिल्म के शूट की वजह से मैंने फिल्म थोड़ी लेट देखी और रिव्यू थोड़ा लेट आया। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।